अस्सलाम वालेकुम, मैं एम डी कैट की रिपीटर हूँ और मैं गुजरावाला से हूँ और मेरा जो टेस्ट है वो सियालकोट हुआ था 17 सितंबर को। जब मैंने टेस्ट दिया था तो मुझे था कि मेरे 180 या 190 प्लस नंबर आएंगे, लेकिन जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मेरे 121 थे। यानी कि उन्होंने मुझे बिल्कुल फेल कर दिया था। उन्हें कुछ ज़रा शर्म नहीं आई कि एक बच्चा इतने एक साल से तैयारी कर रहा है, उसे रिपीट भी किया, उसके नंबर अच्छे आने चाहिए। इन्होंने पता नहीं क्या किया कि मेरे 121 नंबर आए हैं। मैं अभी अपना हाफ तोड़ दिया, मेरे सारे हाफ इन्होंने तोड़ दिया है। मैं अपने माँ बाप को रोते हुए देखती तो मुझे मेरा दिल टूटता है। मतलब ये लोग किस तरह से कर सकते हैं, किसी के मेहनत पे कैसे पानी फेर सकते हैं। एक बच्चा जो है वो मेहनत करता है, एक साल फिर रिपीट करता है कि उसका अब दाखला बचेगा, और उसके बाद वो टोटली फेल कर देते हैं। इवन मैंने FSC भी रिपीट की कि मेरे ज़्यादा नंबर हो जाए और इस साल एग्रीगेट मेरा बन जाए, और मुझे यही था कि मेरे 180-190 प्लस आ जाएंगे। इवन इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस भी फिजिक्स के MCQs दिए हुए थे, और सबसे पहले फिजिक्स का पेपर था हमारा या फिजिक्स के MCQs, उसके बाद इन्होंने हमें बायो के दिए, उसके बाद इन्होंने हमें केमिस्ट्री की दी, उसके बाद हमें इंग्लिश आया, फिर लॉजिकल रीजनिंग आया। इतने इतने क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है, लेकिन कुछ आसान पेपर भी था। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया, वाईफाई बंद हो गया या फिर क्या हुआ है, ये स्किप करने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इन्होंने मुझे फेल कर दिया। यानी कि मेरे भी तमाम मेडिकल की डिग्री फेल कर दी। मुझे बताया मैं क्या करूँ, मैं कहाँ भेजूँ। मैंने सारी जिंदगी का हाफ सोचा था कि मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन इन्होंने एक मिनट में मेरा हाफ तोड़ दिया। मुझे नहीं पता ये रीटेक ले टेस्ट, दोबारा टेस्ट लें वरना अच्छा नहीं होगा, इस तरह जिंदगी बर्बाद होती, नहीं देख सकते। इतने साल हमने मेहनत किया कि हमारा अब दाखला हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 2 मिनट भी हमें फेल कर दिया। प्लीज़ दोबारा टेस्ट लें और फिजिकल टेस्ट लें, या अपना सिस्टम ठीक करें और दोबारा टेस्ट लें, या हमें पास करें ताकि हम कहीं प्राइवेट ले सकें। गवर्नमेंट लेवल के तो काबिल हमें छोड़ा ही नहीं किसी ने कि हम कुछ दे सकें।